तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द नदर वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग गाइज यार, क्योंकि आज की इस वीडियो में लाया हूं मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप, जिसकी मदद से जो है गाइज, अगर आप एक टिकटॉक वीडियो यानी कि अपने आप एक टिकटॉकर हैं और आप जो अपनी टिकटॉक वीडियो को एडिट करना चाहते हो, तो इस ऐप की मदद से जो है गाइज आप अपनी वीडियो को काफ़ी प्रोफेशनल लेवल पर एडिट कर पाएंगे। जैसे कि बड़े बड़े टिकटॉक यूज़र भी जो है इसी ऐप को जो है यूज़ करते हुए अपनी वीडियो को एडिट करते हैं, और वो किस तरीके से एडिट करते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको यही कम्प्लीट ट्यूटोरियल दूंगा कि आप भी जो है इनकी तरह किस तरीके से अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो। तो गाइज, वीडियो को आपने कम्प्लीट वॉच करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं आपको फुल एडिटिंग बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अपनी वीडियो को एडिट करना है, जिससे जो है आपकी वीडियो ज़्यादा वायरल भी होगी टिकटॉक पर और आपको जो है काफ़ी सारे लाइक्स व्यूज़ और जो है आपको फॉलोअर्स भी ला कर देगी। तो चलिए गाइज, अब जो है ले चलता हूँ मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और वहाँ पर चलकर आपको साहब का नेम बताता हूँ और आपको जो है एडिटिंग ट्रिक्स बताऊँगा कि आपने किस तरीके से अपनी वीडियो को एडिट करना है। तो गाइज, अभी जो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, ठीक है। तो गाइज यार, इस ऐप का नेम जो है कैपकट ऐप का नेम है, ठीक है। ये ऐप आपको इजीली गाइज प्ले स्टोर से मिल जाती है, अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो अभी जो है गाइज, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो को किस तरीके से स्लो मोशन और फर्स्ट मोशन में जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी यहाँ पर मैं आपको और भी एडिटिंग ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। तो कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा, तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। तो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले अब आपने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी वो वाली वीडियो उठा लेनी है जिस पर जो है आप स्लो मोशन और फर्स्ट मोशन ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर गाइज मैंने ये वाली वीडियो उठा ली है, तो अभी जो हम इसके ऊपर स्लो मोशन और फर्स्ट मोशन ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जो है मैं इसका वॉल्यूम सबसे पहले ऑफ कर लेता हूँ, क्योंकि इससे जो हमें यूट्यूब पर कॉपीराइट स्ट्राइक करने का खतरा रहता है। तो इसके अलावा गाइज, यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस टाइप की हमारे पास वीडियो है, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पर हम इस वीडियो के ऊपर जो है स्लो मोशन और फर्स्ट मोशन ऐड करेंगे। तो गाइज, यहाँ पर मैं आपको एक बिल्कुल ही सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से जो गाइज आप बिल्कुल ईजिली अपनी वीडियो के ऊपर जो है स्लो मोशन और फर्स्ट मोशन ऐड कर पाओगे। तो यहाँ पर गाइज मैं आपको एक कर्व बताने वाला हूँ, जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी वीडियो को काफ़ी अच्छे यानी कि स्मूथ तरीके से स्लो मोशन और फर्स्ट मोशन में बना पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है, तो यहाँ पर गाइज आपको स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको कर्व का ऑप्शन मिलता है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज, यहाँ पर आपको देखने को काफ़ी सारे कर्व मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो यानी कि मैं आपको कर्व बताने वाला हूँ, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने हीरो वाली कर्व सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें, आपको कुछ इस टाइप की कर्व देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको यहाँ पर सेटिंग बताने लगा हूँ, तो यहाँ पर आपने थोड़ा ध्यान से देखना है। अगर गाइज आप यहाँ पर इसकी जो है फर्स्ट वाली जो है डॉट, अगर आप इसको ऊपर करते हो, तो यहाँ पर आपकी वीडियो इस पॉइंट पर आकर यानी कि फर्स्ट हो जाएगी, और जो नीचे वाला डॉट है, अगर इस पॉइंट पर हमारी वीडियो चलेगी, तो यहाँ पर आकर हमारी वीडियो जो है बिल्कुल स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो है मैं यहाँ पर आपको यानी कि डेमो भी बनाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अभी यानी कि जो ये ऊपर वाले डॉट मैंने किया है, तो यहाँ पर हमारी वीडियो फास्ट होगी, और जो यहाँ पर नीचे वाले डॉट है, तो यहाँ पर जब वीडियो आएगी, तो इस तरीके से यानी कि बिल्कुल स्मूथ स्लो मोशन में हमारी वीडियो चलेगी। तो यहाँ पर गाइज मैं आपको और भी इसके यानी कि डेमो बनाकर दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ से जो आप अपनी वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से स्लो मोशन और फर्स्ट मोशन, जहाँ पर भी आप अपनी वीडियो को स्लो करना चाहो या फर्स्ट करना चाहो, यहाँ से जो है गाइज आप अपनी कर्व को सिलेक्ट करके उसी पॉइंट पर जो है आप अपनी वीडियो को स्लो मोशन और फर्स्ट मोशन में एडिट कर सकते हो। यहाँ पर जो है गाइज आपको जो है वीडियो का एडिट करने में भी काफ़ी इजी रहेगा। तो अभी यहाँ पर देखे गाइज, अभी यहाँ पर हमने यानी कि जो यानी कि शुरू वाला डाटा हमने उसको यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर रखा है, और ये जो सेकंड है, तो इस तरीके से यानी कि आपने जहाँ पर भी आपको लगे कि यहाँ पर हमारी वीडियो स्लो होनी चाहिए और यहाँ पर फर्स्ट, तो इस यानी कि वीडियो के मुताबिक आप जो है इन डॉट्स को जो है सेटिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ से जो आप अपनी वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से फर्स्ट मोशन और इस तरीके से स्लो मोशन में एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइज आप देख भी रहे होंगे कि हमारी वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ से जो है एडिट हो पा रही है। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर भी यानी कि आप जितना स्लो मोशन चाहते हैं, तो यहाँ पर उतना ही यानी कि डॉट्स को नीचे ले जाकर आप अपनी वीडियो को उतना ज़्यादा स्मूथ स्लो मोशन में एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखें गाइज, अभी जो है यहाँ पर मैं ये सारे डॉट्स नीचे कर देता हूँ, तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे गाइज कि हमारी वीडियो जो है कितने स्मूथ स्लो मोशन में यहाँ पर चलेगी। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं, आप अपनी वीडियो को यानी कि अगर आप अपनी वीडियो कंप्लीट स्लो मोशन में करना चाहते हो, तो आपने ये सारे डॉट्स जो है नीचे की तरफ कर देना है। तो उसके बाद जो है गाइज यहाँ पर आपकी वीडियो कुछ इस तरीके से यानी कि स्मूथ स्लो मोशन में हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपकी वीडियो भी काफ़ी बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर अगर आप एक पॉइंट जो है इसका स्लो मोशन में करना चाहते हो या सभी करना चाहते हो, तो यहाँ पर इस तरीके से यानी कि आपकी वीडियो बिल्कुल फर्स्ट मोशन में हो जाएगी। तो इस तरीके से गाइज यहाँ से जो आप अपनी वीडियो को फर्स्ट मोशन में भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट मैं इसका नीचे कर देता हूँ, तो इस पॉइंट पर यहाँ पर आकर देखें, तो हमारी वीडियो इस तरीके से यानी कि एक दो सेकंड के लिए यहाँ पर जो है स्लो मोशन हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है गाइज यहाँ से आप अपनी वीडियो को काफ़ी अच्छे तरीके से स्लो मोशन और फर्स्ट मोशन में एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा गाइज यहाँ से जो है मैंने एक और वीडियो यहाँ पर ऐड किया, तो यहाँ पर अभी जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी वीडियो के ऊपर जो है किस तरीके से शेक इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं गाइज, इस वीडियो के ऊपर जो है कोई शेक इफेक्ट ऐड नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप अपनी वीडियो को किस तरीके से जूम इन और आउट कर सकते हो, जो कि यानी कि आपकी वीडियो काफ़ी बढ़िया बन जाती है इस तरीके से एडिट करने के बाद। तो यहाँ पर गाइज आपने क्या करना है, आपने
3 से 4 सेकंड का गैप रखना है और यहाँ पर इस तरीके से कट लगाना है, ठीक है। इस तरीके से वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो है स्प्लिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से गाइज आपने करने के बाद अब आपने यानी कि फर्स्ट वाला पार्ट होगा इसके ऊपर क्लिक करना है और इनके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज आप देखें आपको यहाँ पर शेक इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे। तो इसके अलावा यहाँ पर आप अपनी यानी कि उस फर्स्ट जो आपका यानी कि हिस्सा होगा आप जो है इसे ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेनी है। ड्यूरेशन सेलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ से आपको जो भी अच्छा इफेक्ट लगता है फिर से आपने उसको उठाना है, यूज़ करने के बाद ड्यूरेशन उसकी सेलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरीके से गाइज आपने जो अपने कंप्लीट वीडियो के ऊपर जो है शेक इफेक्ट ऐड कर लेने हैं। काफ़ी सारे गाइज यहाँ पर आपको शेक इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो अभी जो है यहाँ पर हमारी जो वीडियो के पार्ट है मैं इनके ऊपर जो है शेक इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ। ड्यूरेशन भी आपने जो है जहाँ पर भी आप जितना आप रखना चाहते हैं यहाँ पर जो आप अपनी वीडियो के ऊपर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट पार्ट रह गया, तो यहाँ पर इसके ऊपर शेक इफेक्ट ऐड करने के बाद तो यहाँ पर जो है गाइज अभी जो मैं आपको वीडियो भी प्ले कर दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पर आप देखेगा इसके हमारी वीडियो काफ़ी बढ़िया हो जाती है इस तरीके से नहीं कि शेक इफेक्ट ऐड करने के बाद। तो यहाँ पर देखेगा इस किस तरीके से शेक हो रही है ये वाली वीडियो। तो इसके अलावा गाइज यहाँ पर वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए तो यहाँ पर मैं आपको एक और भी ट्रिक बताने लगा हूँ। तो यहाँ पर गाइज आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट आपने इसको छोड़ देना, जो सेकंड वाला पार्ट है आपने जो इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो इसको इस तरीके से जूम करना है, ठीक है। तो फिर से आपने क्या करना है वाला पार्ट छोड़ना है, इसे आगे वाले पार्ट पर जाने के बाद आपने फिर से इस वीडियो को थोड़ा सा जूम करना है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर मैं आपको वीडियो प्ले कर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारी वीडियो जो है काफ़ी अच्छी लगेगी इससे। तो यहाँ पर गाइज देखें वीडियो यहाँ पर जूम होगी, तो यहाँ पर देखें गाइज काफ़ी अच्छी हो जाती है और फिर से यहाँ पर देखें आउट हुई है और फिर से यहाँ पर देखें जूम। तो इस तरीके से नहीं कि गाइज आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये वाली ट्रिक भी जो है आपने लाजमी से ट्राई करनी है, ठीक है। तो इससे जो है वीडियो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो गाइज अभी जो है यहाँ पर मैंने एक और वीडियो ऐड किया है। तो यहाँ पर गाइज अभी आप यहाँ पर आप वीडियो देखें कि यहाँ पर किस टाइप की वीडियो, आप यहाँ पर वीडियो का कलर देख सकते हैं। तो अभी जो है यहाँ पर गाइज मैं आपको कलर ग्रेडिंग बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी वीडियो का कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, अपना फेस का कलर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज अभी यहाँ पर आपने वीडियो देख ली होगी। तो यहाँ पर गाइज आप देखें आपको काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज आपको एक और भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है फिल्टर का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैक आ जाता हूँ, तो यहाँ पर गाइज आप देखें आपको यहाँ पर फिल्टर्स का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फिल्टर देखने को मिल जाते हैं जो कि आपकी वीडियो को जो है कलर ग्रेडिंग करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर गाइज अभी यानी कि मैं आपको अच्छे अच्छे यहाँ पर कलर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ से गाइज आपने कौन सा कलर सेलेक्ट करना है, तो आपने कुछ इस तरीके का नेचुरल कलर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद आपने गाइज क्या करना है कलर ग्रेडिंग के लिए आपने एडजस्टमेंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज आपको वीडियो की यानी कि कलर ग्रेडिंग करने के लिए काफ़ी हेल्प करने वाले यहाँ पर टूल मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप जो है इसका कॉन्ट्रास्ट और यहाँ पर सैचुरेशन और यहाँ पर आपको एक्सपोजर भी मिल जाता है, शार्पनेस भी मिल जाती है जो कि आपकी वीडियो को काफ़ी अच्छा बना देती है क्वालिटी में। तो यहाँ पर गाइज आप देख रहे होंगे कि हमारी वीडियो का जो है यहाँ पर कलर किस तरीके से चेंज हो रहा है जो कि काफ़ी अच्छा भी यहाँ पर हमारी वीडियो की क्वालिटी कर रहा है। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पर आपने जो है इसकी कलर ग्रेडिंग जहाँ पर भी आपको अच्छी लगे उस हिसाब से जो है आपने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर गाइज आपको काफ़ी सारे यहाँ पर आपकी वीडियो की कलर ग्रेडिंग हेल्प करने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे टूल मिल जाते हैं। तो इस तरीके से नहीं कि जहाँ पर भी आपको अपनी वीडियो का बैकग्राउंड या आपको जो अपने फेस का कलर अच्छा लगे उस पॉइंट पर जो है आप इस वीडियो को जो है यहाँ से सेव कर सकते हो। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पर जो आप अपनी वीडियो की कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हो जो कि काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पर जो आप अपनी वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी यानी कि कर सकते हो। तो इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको वीडियो भी बड़ा कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखें गाइज इसकी जो है फेस पर किस तरीके से ग्लोइंग हो रही है। तो इस तरीके से नहीं कि आप अपनी वीडियो का कलर चेंज कर सकते हो। तो अभी जो है यहाँ पर गाइज मैं अभी आपको बताने लगा हूँ कि इसके अलावा यहाँ पर आप अपनी वीडियो के ऊपर किस तरीके से कोई भी यानी कि स्टिकर या न्यून इफेक्ट VFX ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइज आपको स्टिकर का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, इसी ऐप में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके के काफ़ी सारे ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं अगर आप इस तरीके की वीडियो शूट करते हो। तो यहाँ पर गाइज आपको काफ़ी सारे स्टिकर देखने को मिल जाते हैं जो कि आपकी वीडियो को काफ़ी अच्छा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपको यानी कि स्टिकर अच्छे लगते हैं या कोई भी आपको इमोजी अच्छा लगता है वो जो है यहाँ पर आप अपनी वीडियो के ऊपर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे यानी कि यहाँ पर स्टिकर मिल जाता है। तो यहाँ पर एक स्टिकर मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप गाइज देख सकते हैं ये जितना भी यानी कि आप इसको अपनी वीडियो के ऊपर ऐड करना चाहते हो तो उतना ही यहाँ पर आपने इसकी लेंथ रख लेनी है। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके की यानी कि आपकी वीडियो प्ले होगी। तो यहाँ पर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की यहाँ पर वीडियो एडिट करते हो और यहाँ पर जो है कौन सा यहाँ पर आपकी वीडियो पर अच्छा लगेगा स्टिकर, वही जो है यहाँ पर आप स्टिकर उठाकर गाइज आप अपनी वीडियो के ऊपर ऐड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर गाइज आपको अनलिमिटेड यहाँ पर स्टिकर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक और भी यहाँ पर स्टिकर ऐड कर दिखा देता हूँ जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए गाइज अभी जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए इस तरीके से नहीं कि ये वाला स्टिकर उठा लिया। तो यहाँ पर गाइज यहाँ पर आप देखें हमारी वीडियो कुछ इस टाइप की लगेगी।
तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं फीलिंग्स डिलीटिंग यहाँ पर लिखा हुआ रहा है। तो अभी जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ जो सेकंड हमने स्टिकर ऐड किया था तो यहाँ पर लोडिंग हो रही है, तो अभी जो है यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा यानी कि कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि गाइज आप अपनी वीडियो के ऊपर इस तरीके से ये वाले स्टिकर भी ऐड कर सकते हो। तो उसके बाद जो आप अपनी इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो अपनी गैलरी में विदाउट वाटरमार्क के। तो गाइज यार आज की इस वीडियो में यही था। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पर और भी इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हो गाइज, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइज, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।